आसीन पंचायत समिति कार्यालय परिसर में मंगलवार दोपहर सरपंच संघ की बैठक अध्यक्ष निम्बाराम गुजर की उपस्थिति में आयोजित हुई। इस अवसर पर लाछुड़ा सरपंच प्रतिनिधि ताराचंद मेवाड़ा, बारेला सरपंच धर्मीचंद कोली बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आसीन क्षेत्र की पंचायतों में चंबल परियोजना के ठेकेदारों द्वारा मनमानी तरीके से नल कनेक्शन को लेकर पंचायतों की सड़कों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। गहरे गड्ढे पड़ गए हैं जिससे ग्रामीण जनों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीमेंटेड सड़कें हो या सीसी ब्लॉक को खुर्द बुर्द कर दिया, ठेकेदार अपनी मनमर्जी जैसे काम करते हैं। पंचायत क्षेत्र के सरपंच को इस बारे में अवगत नहीं करवाते। चंबल परियोजना के अधिकारियों से मिलकर एमबी भरवा कर भुगतान उठा लिया जाता है। पंचायत क्षेत्र की सड़कों की दुर्दशा कर दी, वापस इनकी मरम्मत तक नहीं करवाई गई। सरपंच संघ अध्यक्ष निम्बाराम गुजर ने चेतावनी देते हुए कहा कि पंचायत क्षेत्र के लोगों को साइकिल पर भी निकलना भी दुश्वार हो रहा है। चंबल परियोजना द्वारा तोड़ी गई सड़कों को अगर विभाग ने सही नहीं करवाया तो हमें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मैं सरपंच संघ की मीटिंग हुई, इसमें यह निर्णय हुआ कि 14 तारीख को हमारे यहाँ मीटिंग है, उसमें हम सब सरपंच, इसका यह जल जीवन मिशन जो योजना चल रही है केंद्र या स्टेट सरकार की, इसमें ठेकेदार का जो टेंडर हुआ है ना कंपनी का, जो यह कि बिना सरपंचों के अनदेखी काम कर रहे हैं, नहीं तो ये कोई ड्राइंग बना रहे, इसका कोई सरपंच को पूछ रहे हैं, नहीं साथ में लेकर घूम कर ड्राइंग बना रहे, इसकी मनमर्जी से लाइनें डाल रहे हैं। जहाँ एसआर बन रहे, कभी 5 दिन यहाँ का काम बंद कर दिया, दूसरी जगह चले गए, इसके पास नहीं तो कोई एसआर बनाने वाली कोई पार्टी पूरी है, नहीं कोई लाइन डालने वाली पार्टी पूरी है। जहाँ जिसकी लाइन का काम है वो अनदेखी से कर रहे, कहीं लाना इसकी बेक ब्लीसिंग सही नहीं करेगा, सीसी रोड तोड़ दिया था, नहीं उससे सीसी रोड बना रहे, खड्डे छोड़ के चले जाते हैं, नई लाइन बना रहे, नई सरपंचों को पूछ के ड्राइंग बना रहे, जहाँ मर्जी पड़ जाए अनदेखी ठोकर। हम अफसरों को फ़ोन करते हैं तो ये नहीं फ़ोन उठाते हैं चंबल वाले, और नहीं हम उसको बुलाते हैं साइड पाव, ड्राइंग बनानी है तो साइड पाव को हम घूम के पैदल चल के अफसर और सरपंच साथ में घूम के हम बताएंगे भी ऐसे यहाँ लाइन डालनी है, संशोधन करते हैं तो कोई अफसर सुनते नहीं है, नहीं कोई आते हैं। इसलिए हम सरपंचों का यही संगठन है कि जब तक हम सरपंचों को पहुँच के गाँव में लाइन नहीं डाले हम नहीं तो काम करने देंगे। ये बिना पूछे किसी बिल उठा लिया और भुगतान कर देते हैं, नहीं हमारे को सरपंच पूछ रहे। अब आपकी क्या मांग? ये मांग है कि हम पहले जो ड्राइंग बना रहे हैं सरपंचों को साथ में लेके प्रतिनिधियों को, कोई भी कोई पंचायत कोई सी भी हो, सरपंचों को प्रतिनिधियों को पहुँच के ड्राइंग बनाए और साथ में लेके काम करें, लाइन डालें। और ये जो 2100 रुपये हमारा 2-2 साल हो गए किसी का जमा हो गया, अब वहाँ अभी भी कनेक्शन नहीं हुए और नहीं है, समय पे काम हो रहे हैं। ये कंपनी जो पुंगलिया कंपनी के नाम से पूछते हैं, नहीं तो इसका कोई सुपरवाइजर जो मिलते हैं, न कोई अधिकारी मिलते हैं, न कोई सुनवाई हो रही है। इसलिए हम ये इस मीटिंग में जो निर्णय हो जाएगा और ये समय पे काम करेंगे, नहीं तो हम कलेक्टर साहब के वहाँ बिलवाड़ा हम सभी सरपंच संगठन इकट्ठा होकर वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसका स्वयं जिम्मेदारी चंबल प्रशासन होगा, इसकी समस्त जिम्मेदारी सभी चंबल प्रशासन एक्शन की होगी।